डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक बाय अप्रॉक्सीमेट मेथड। ये जो क्वेश्चन है ये मुंबई यूनिवर्सिटी में मे 19 में पूछा गया है 16 मार्क्स के लिए। इसमें क्या दिया है, एक वाटर टैंक है जिसके डायमेंशन है 6.5 मीटर इन प्लान, मतलब इंटरनल डायमेंशन गिवन है 6 मीटर बाय 5 मीटर, जिसकी हाइट है 4.8 मीटर, और उसके लिए M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील यूज़ किया गया है। तो इसके लिए हमें टैंक डिज़ाइन करना है। तो पहले तो हमें डिज़ाइन कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना रहता है। तो उसके पहले परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट फॉर M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील फॉर 415 स्टील इज 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स क्या आएगा, M 280/3 σcbc इक्वल्स टू 11, के क्या रहता है हमारा 1/1 + σst/m × σcbc, ये आ जाए हमारा 0.48। जे जो कि हमारा लीवर आर्म कॉन्स्टेंट है 1 - K/3 इक्वल्स टू 0.86, और क्यू आता है हमारा 1/2 σcbc × K × J, ये आता है हमारा 1.52। ठीक है, अभी ये तो हमारे डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स हो गए। अभी टैंक डिज़ाइनिंग पे जाते हैं। तो पहले हमें ये वॉल की थिकनेस फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड थिकनेस ऑफ वॉल, तो उसके लिए क्या कंडीशंस हमारे, मिनिमम हमारी वॉल की थिकनेस 150 mm होनी चाहिए, या फिर सेकेंड केस जो है वो 30 पर मीटर डेप्थ प्लस 50 mm रहती है। तो अभी 30 × डेप्थ हमारी ओवरऑल कितनी है, 4.8 मीटर, मतलब हाइट है जो 4.8 + 50, तो ये कितनी आती है हमारी 194 mm। ठीक है, फिर थर्ड केस जो है हमारी 60 mm per meter लेंथ ऑफ लॉन्ग साइड, जो हमारी लॉन्गर साइड रहेगी वो लेनी हमें। तो 60 × लॉन्ग साइड कौन सी है अभी हमारी, 6 मीटर, तो 6, ये कितनी आती है हमारी 360 mm। तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम रहेगी वो आएगी हमारी थिकनेस, तो वो है अभी कितनी 360 mm। ठीक है, तो अभी इसका एल बाई बी रेशियो फाइंड आउट करना है हमें, L/B, क्योंकि हमें डिसाइड करना है कि इस टैंक कैसे डिज़ाइन करना है। तो 6/5 इज इक्वल्स टू 1.2, जो कि लेस देन 2 है। देयरफॉर डिज़ाइन वॉल्स स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अभी इसके लिए हमें एच फाइंड आउट करना है। एच क्या रहता है हमारा, कैंटिलीवरिंग जो ये वाटर टैंक है, ठीक है, तो इसके बेस से जो प्रेशर एक्ट होने वाला है हाईएस्ट, तो वो रहता है हमारा एच। एच क्या रहता है हमारा, टोटल H/4 और 1, जो भी हमारा ग्रेटर रहेगा इन दोनों में से। तो एच कितना है हमारा, 4.8/4 या तो फिर 1 आएगा, तो ये कितना आता है हमारा 1.2, ओके, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो देयरफॉर एच इक्वल्स टू 1.2 मीटर। अभी वाटर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। तो वाटर प्रेशर क्या रहता है हमारा, इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि है 9810 × H - H। ठीक है, टोटल हाइट माइनस जो अभी हाइट फाइंड आउट की हमने कैंटिलीवर एक्शन वाटर प्रेशर के लिए, तो 9810 (4.8 - 1.2), तो ये कितना आता है हमारा 35.31 kN/m। ये हमारा वॉल का प्रेशर आया, वाटर प्रेशर जो वॉल पे एक्ट होने वाला है। तो इसके लिए अभी वॉल डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन ऑफ, पहले लॉन्ग वॉल डिज़ाइन करते हैं, जो लॉन्ग है हमारी 6 मीटर वाली, डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल। तो पहले अभी डेप्थ हमने फाइंड कर लिए, थिकनेस फाइंड आउट कर लिए, तो इफेक्टिव स्पैन फाइंड आउट कर लेते दोनों साइड के लिए। इफेक्टिव स्पैन फॉर शॉर्ट वॉल क्या है, शॉर्ट वॉल कौन सी है हमारी 5 मीटर, तो 5 + 0.36/2, क्योंकि अभी यहाँ से देखेंगे हम, ठीक है, तो ये जितनी जो आएगी हमारी वो 5 + वॉल थिकनेस / 2 + वॉल थिकनेस / 2,
जो वॉल थिकनेस है हमारी 0.36 मीटर, यानी 360 mm, वही तो 5.36 मीटर। सेम इफेक्टिव स्पैन फॉर लॉन्ग वॉल इक्वल्स टू 6.36 मीटर। सेम 6 + 0.36/2 + 0.36/2, तो ये हमारे इफेक्टिव लेंथ मिल गए हमें। ठीक है, तो अभी बेंडिंग मोमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट एट कॉर्नर, जब वॉल डिज़ाइन करते तब हमें कॉर्नर्स और सेंट्रल पार्ट दोनों के लिए अलग अलग डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट कॉर्नर का फॉर्मूला क्या है? WL² / 12, तो कितना आता है? 35.31 इंटू 6.36² / 12, तो ये कितना आता है हमारा? 119.02 किलो न्यूटन मीटर। अभी वॉल पे बेंडिंग मोमेंट के साथ टेंशन भी एक्ट होने वाला है, तो टेंशन या फिर उसको पुल भी कहते हैं, वो क्या आएगा? डेंसिटी इंटू विड्थ, जो शॉर्टर स्पैन रहेगा, डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आता है? ये सॉरी डेंसिटी नहीं, अपना लोड है। तो ये है 35.31 इंटू शॉर्टर स्पैन। अभी लॉन्ग वॉल डिज़ाइन, लॉन्ग वॉल जब करते हैं तो लेंथ जो लॉन्गर रहेगी वो, और बी जो शॉर्टर रहेगा वो, तो ये कितना आता है हमारा? 5 / 2, तो ये कितना आया? 88.275 किलो न्यूटन। ये किलो न्यूटन में आएगा क्योंकि ये टेंसाइल फोर्स है जो पुल कर रहा है हमारा टैंक को। तो अभी 25 mm का बार यूज़ करके देखते हैं हम। 25 mm डाया बार एट कवर ऑफ 25 mm फ्रॉम वॉल थिकनेस। ठीक है, तो इफेक्टिव कवर क्या हो जाएगा? 25 + 12.5, मतलब 25 / 2, तो ये हो जाता है हमारा 37.5 mm। तो डी क्या रहेगा हमारी? मतलब इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ जो है हमारी वो है 360 - 37.5 इक्वल्स टू 322.5 mm। तो अभी एरिया ऑफ स्टील जब फाइंड आउट करना है तो हमें AST1 + AST2 रहता है। AST1 हमारा बेंडिंग मोमेंट के लिए रहता है और 2 जो रहता है वो टेंसाइल फोर्स के लिए रहता है। तो AST1 क्या रहता है हमारा? मोमेंट माइनस टेंसाइल इंटू एक्स डिवाइड बाय σST इंटू जे, मतलब लीवर आर्म कॉन्स्टेंट, इंटू डी। तो एम क्या है हमारा? 119.02 इंटू 10^6 माइनस 88.275 इंटू 10^3 ब्रैकेट 322.5 माइनस 180। 180 कैसे? ये 360 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 130 इंटू 0.86 इंटू 322.5, ये वॉल थिकनेस डिवाइड बाय 2 है इक्वल्स टू, ये कितना आता है हमारा? 2952.13 mm². तो अभी ये एरिया ऑफ स्टील ड्यू टू टेंशन ये कैसे निकलता है? टी अपॉन स्ट्रेस इन स्टील, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। तो ये आता है हमारा 88.275 इंटू 10^3 डिवाइड बाय 130 इक्वल्स टू 679.03 mm². ठीक है, तो ये टोटल एरिया ऑफ स्टील कैसे कितना आ जाएगा हमारा? 363.16 mm². तो अभी हमने 25 mm बार यूज़ किया है, तो स्पेसिंग क्या आ जाएगी हमारी? π/4 इंटू 25² डिवाइड बाय 363.16 इंटू 1000। ठीक है, तो ये कितनी आ जाती है हमारी? 135.16, इसको प्रोवाइड करेंगे हम 130 mm। ये तो कॉर्नर्स का हो गया। तो अभी बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर के लिए भी डिज़ाइन करना है। बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, उसका फॉर्मूला क्या है हमारा? इक्वल्स टू WL² / 16। तो W कितना है हमारा? 35.31 इंटू 6.36² डिवाइड बाय 16, ये कितना आ जाता है? 89.26 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है,
तो अभी इसके लिए AST1 फाइंड आउट करेंगे। M सेम फार्मूला, मोमेंट माइनस टेंसाइल इंटू एक्स डिवाइड बाय सिग्मा ST इंटू जे इंटू डी। अभी मोमेंट इसमें ये क्या सब्सिट्यूट करेंगे, 89.26। टेंसाइल फुल तो हमारा सेम ही रहने वाला है, और एक्स क्या, एक्स भी सेम रहने वाला है, तो चेंज क्या होने वाला है, सिर्फ मोमेंट का फार्मूला, मोमेंट इक्वेशन। ये क्या आ जाएगा, 89.26 इंटू 10^6 माइनस 88.275 इंटू 10^3 मल्टीप्लाई बाय 322.5 माइनस 180 डिवाइड बाय 130 इंटू 0.86 इंटू 322.5। तो AST1 कितना आ जाता है हमारा, AST1 इक्वल्स टू 2475.27 mm². ठीक है, नेक्स्ट AST2 तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, सेम ही रहने वाला है, वो 679.03 mm². तो टोटल एरिया स्टील क्या आ जाता है अभी हमारा, 3154 mm². स्पेसिंग सेम वैसे ही फाइंड आउट करना है, तो कितना रहेगा, पाई बाय 4 इंटू 25² डिवाइड बाय 3154 इंटू 1000। ये कितना आ जाता है अभी, 150 mm। ठीक है, ये लॉन्ग वॉल्स डिज़ाइन हो गई अभी हमारी, डिज़ाइन करनी है। ठीक है, तो शॉर्ट वॉल के लिए एल जो रहेगा हमारा 5 मीटर और विड्थ जो रहेगी वो है 6 मीटर। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट कॉर्नर्स क्या रहेगी, अभी सेम फॉर्मूला, W L² / 12। तो W कितना है, 35.31 इंटू 5.36² डिवाइड बाय 12, ये सॉरी 5.36 मीटर है क्योंकि इफेक्टिव लिया हुआ है ना, तो डिवाइड ये कितना आ जाता है, 84.53 किलो न्यूटन मीटर। तो इसके लिए टेंसाइल पुल कितना आता है, 35.31 इंटू बी कितना है हमारा, 6 / 2, तो ये कितना आता है, 105.93 किलो न्यूटन। तो AST1 कैसे आ जाएगा, M - TX डिवाइड बाय σST इंटू जे इंटू डी। सेम मूवमेंट का फॉर्मूला, मूवमेंट का यूनिट क्या है, 84.53, टी 105.93 और एक्स 322 पॉइंट जो प्रीवियसली था सेम, तो इसका आंसर आ जाएगा 1925.78 mm². AST2 सेम टी बाय σST, ये कितना है, 105.93 इंटू 10^3 डिवाइड बाय 130 इक्वल्स टू 814.84। तो टोटल एरिया ऑफ स्टील कितना आ जाता है इसके लिए, यह आएगा 2740.62 mm². तो 25 mm बार का प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेसिंग क्या आ जाएगी हमारी, पाई बाय 4 इंटू 25² डिवाइड बाय 2740.62 इंटू 1000। तो कितना आ जाता है हमारा, 179 mm। तो इसको हम राउंड अप करके 170 mm कर सकते हैं, ये कॉर्नर्स का हो गया। तो अभी सेंटर के लिए भी सेम, वापस बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर इक्वल्स टू WL² / 16। तो 35.31 इंटू 5.36² डिवाइड बाय 16 इक्वल्स टू कितना आता है, 63.40 किलो न्यूटन मीटर। तो टेंसाइल पुल तो सेम ही रहने वाला है, 105.93 किलो न्यूटन। तो एरिया ऑफ स्टील फॉर बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, M - TX / σST इंटू जे इंटू डी इक्वल्स टू सेम मोमेंट का, मोमेंट कितनी वैल्यू है, 63.40 × 10^6 -105.93 इंटू 10^3। तो एरिया ऑफ स्टील कितना आ जाएगा हमारा, 1339.73 mm². और AST2 कितना आ जाएगा, सेम जो इसमें आया था, 814.84 mm². तो टोटल एरिया ऑफ स्टील कितना आ जाएगा, 2154.57 mm². तो स्पेसिंग कितनी आ जाती है अभी,
सेम 25 mm का बार यूज़ कर रहे हैं, 54.57 × 1000, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 227 mm, राउंड डेट टू 220 mm, ठीक है। नाउ डिज़ाइन फॉर कैंटिलीवर एक्शन, तो मैक्स प्रेशर एट बॉटम ऑफ वॉल कितना रहेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू टोटल हाइट जो है हमारी 4.8, तो 47.088 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैक्सिमम कैंटिलीवर मूवमेंट फाइंड आउट करनी है अभी हमें, इसके लिए ये क्या रहेगी हमारी, हाफ इंटू मैक्सिमम प्रेशर जो हमने फाइंड आउट किया 47.088 इंटू एच, मतलब 1.2 या फिर 1 जो मैक्सिमम रहेगा जो हमने फाइंड आउट किया है, तो 1.2 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आ जाता है, 11.29। यह हमेशा याद रखें, इसमें गलती नहीं करनी है। एच कौन सा रहता है, एच बाय 4 और 1 जो भी ग्रेटर रहेगा वही, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। तो यूजिंग 10 mm डाया बार्स, तो इफेक्टिव कवर कितना हो जाता है, 25 प्लस 16, ये 10 की जगह 12 ले लेते, और ये 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना 6 आ जाएगा, तो ये कितना है, 56 mm, तो इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगी अभी हमारी, 360 - 56 = 304 mm, ठीक है। तो अब इसके लिए एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करना है, AST = 11.29 × 10^6 जो मूवमेंट है हमारी, डिवाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इंटू लीवर आर्म कॉन्स्टेंट इंटू डेप्थ जो है हमारी इफेक्टिव डेप्थ, तो ये कितना आ जाता है हमारा, 318.56 mm². तो अभी ये टोटल एरिया हो गया, तो लेकिन मिनिमम एरिया ऑफ स्टील क्या है हमारा, 0.3 डिवाइड बाय 100 × 1000 × 360 = 1080 mm². ये मिनिमम स्टील, अभी हमारा आया कितना, 315, लेकिन हमें मिनिमम इतना प्रोवाइड करना है, तो प्रोवाइडिंग 1080 mm स्टील, 12 mm का किए थे हमने, तो स्पेसिंग क्या आ जाएगी हमारी, पाई बाय 4 × 12² डिवाइड बाय 1080 × 1000, तो कितना आ जाता है, 104.62, राउंड दैट टू 100 mm। नेक्स्ट बेस लैप डिज़ाइन करना है, अभी टैंक जो करना रेस्ट करेगा वो बेस लैप पे रेस्ट करेगा, तो अज्यूमिंग थिकनेस ऑफ बेस लैप इक्वल्स टू 200 mm, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील इक्वल्स टू बेस लैप के लिए हम 0.3% प्रोवाइड करते हैं, इंटू 1000 × 200, ये 1000 है, इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 600 mm², तो यूजिंग 10 mm डाया बार्स, तो उसके लिए स्पेसिंग फाइंड आउट करेंगे, वो क्या रहेगी, पाई बाय 4 × 10² डिवाइड बाय 600 × 1000, ये कितनी आती है हमारी, 130 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो बेस लैप भी डिज़ाइन हो गया और वॉल्स भी डिज़ाइन हो गए।